Okay, welcome to all of you. The topic is overview of optical fiber communication. So how many of you know about optical fiber cable? Have you seen optical fiber anywhere? Yes, sir. Okay. Where you have seen this optical fiber? सर आजकल लगाते जो फाइबर लगाते हैं ना कनेक्शन ग्रास में वही पे देखा है घर में सर। अच्छा जो घर पे लगा रहे फाइबर कनेक्शन वो आपने देखा, तो वो बाहर जो आपने केबल देखी है फाइबर भी देखा हुआ है? जी फाइबर भी देखा हुआ है सर। फाइबर भी देखा है, चलिए अच्छी बात। तो ये आपको ये हिंदी में मैं बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, किसमें कंफर्टेबल है? सर हिंदी में ही बोलो सर, हिंदी में कंफर्टेबल। ठीक है ओके, चलिए दोनों मिला के बोलते हैं, हिंदी में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं। नाउ वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मे बी वॉइस, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, वीडियो और डेटा। And for this communication, what we require? क्या चाहिए हमको communication के लिए? Communication के लिए हमारे पास होना चाहिए चार चीजें। Number one is transmitter, sender, जो भी आप कह लीजिए। Number two, receiver. Number three, media. Sender और receiver के बीच में कुछ media होना चाहिए। And then number four, some message, some information. जब ये चार चीजें हमारे पास हैं तभी हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। सेंडर मैं हो गया, रिसीवर आप हो गए, मीडिया हमारे आपके बीच में टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं, बीच में वायर्स होंगे, कुछ एयर होगा, और एक मैसेज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो दिस इज कम्युनिकेशन। अगर हम लोग आपस में, हमारी क्लास अगर ऑफलाइन होती तो हमारा आपका बीच का जो कम्युनिकेशन होता, मैं सेंडर आप रिसीवर, मैसेज हमारे पास, इंफॉर्मेशन मेरे पास, हमारे आपके बीच में एयर। लेकिन जब हमारे आपके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तब कम्युनिकेशन के लिए हमको सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो सर्विस प्रोवाइडर की जो सर्विसेज हम लोग लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को ले करके, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर तक कैसे पहुंचाते हैं, मोबाइल के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, किसी भी तरह से वो इंफॉर्मेशन हमारी वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकता है और डेटा हो सकता है। और ये सर्विसेज हम लोग वायर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और वायरलेस भी। तो इस तरह से जो हमारे और आपके बीच में, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन बनती है, उस ट्रांसमिशन लाइन में दो पाथ होते हैं, वन फॉर सेंड एंड सेकंड फॉर रिसीव। ये एक पेयर मिलकर के बन जाता है ट्रांसमिशन लाइन। नाउ सपोज एक ट्रांसमिशन लाइन अगर हमने तैयार कर ली, दो वायर हमारे पास है, मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूँ, बेसिक शुरू कर रहे हैं, दो वायर अगर हमारे पास है तो कम्युनिकेशन के लिए एक वायर पे हम सेंड करेंगे और दूसरे वायर पे हम रिसीव करेंगे। तो जिस वायर पे मैं सेंड करूंगा आप उस पर रिसीव करेंगे, मतलब दूसरा एंड, और दूसरा एंड जो है वो दूसरे वायर पे सेंड करेगा और दूसरे वायर पे सेंडर जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने एक ट्रांसमिशन लाइन तैयार कर दी तो उस पर दो लोग बात कर सकते हैं, एक ट्रांसमिशन और ले ली मतलब एक पेयर और हमारे पास है तो उस पर दो लोग और कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह से जितने भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा पेयर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हम कितनी ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे और उनको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो इसलिए किया ये गया कि ट्रांसमिशन लाइन की फिर शेयरिंग की गई। शेयरिंग हमारी दो तरह से होती है, एक शेयरिंग हमारी एनालॉग सिस्टम में थी जिसमें कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया FDM, और दूसरी शेयरिंग हमारी है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें PCM का कॉन्सेप्ट आया था। आपको PCM का नॉलेज होना चाहिए, यू शुड नो PCM।
pulse code modulation. And in PCM, there are three systems. One is European, second one is American, third one is Japanese. In American and Japanese, the PCM is known as T1, which is 1.5 MB per second. In this tributary, at a time, 25 channels are available. In India, we are using European system, where PCM is 2.048 MB per second, which is having 30 channels. So if we are having one PCM, then at a time, at that transmission line, 30 pairs can communicate with each other. Now, after further multiplexing, four numbers of PCM makes 8 Mbps, then 34 Mbps, 140 Mbps, and different type of systems were introduced, PDA system, SDA system, and now DWDM system. And these systems work on use some media. Now, here in this topic, today's session we'll discuss about the advantages of the optical fiber applications, fiber optic principle, windows, fiber classification, fiber properties, fiber types, cable installation, that is cable laying, typical optical fiber link, and current trends in fiber optic communication. Historical, if you go to the history, optical telegraph was invented by Claude Chappe in 1790, photophone in 1880, and this optical fiber invented in 1966. In old days, we were using metallic wire, copper wire, then iron wire as a transmission media. Then we switched to microwave. After microwave, satellites. Microwave systems were analog systems. Then after that, these microwave were converted into digital. And the latest technology, not latest, mostly used technology is optical fiber cable. And in this optical fiber, we use glass. Optical fiber may be made of glass or maybe it may be made of plastic also. If you see, अगर आप market में जाएं, market में showpiece दिखते हैं कुछ, जिसमें भी कुछ ऐसे wires ऐसे, मैं wire बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कुछ wire ऐसा निकला रहता है, और नीचे उस पे light जलती है, और वो light colors उसमें red color, blue color, different, इसको उस जो wire है, जिसको हम कह रहे हैं, उसके टिप पर आप देखेंगे कलर्स निकलते हैं और अगर ये उस पर मोटर लगा देंगे सिस्टम वगैरह हमारा रोटेट भी करता है तो ये एक अच्छा शोपीस बनता है लोग अपने ड्राइंग रूम में भी रखते हैं तो ये जिसको मैं वायर बोल रहा हूँ वो एक्चुअली जो वो फाइबर है तो डिफरेंस ये है कि वो फाइबर आपका प्लास्टिक का बना हुआ है टेली कम्युनिकेशन में जो फाइबर हम लोग यूज करते हैं वो बना होता है आपका ग्लास से सो मटेरियल फॉर फाइबर दैट इज यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन was used silica with special properties like extreme purity, that silica, that glass would be extremely pure, high melting point, and low refractive index. Initially, very high loss fiber was developed, Lincoln loss was nearly 1 dB per kilometer, but today we are having a fiber loss which is So, this is the history of different type of fibers. In 1980 to 1999, example is given. Here, fiber type is given, two types of fiber, multi-mode and single mode. MM means multi-mode and SM means single mode. And different types, different wavelengths were used in these fibers, which are given as 820 micrometer, 1300 micrometer, and 1550 nanometer or 1.55 micrometer. We will discuss this further. What are these wavelengths? And WDM full form is wavelength division multiplexing. This is the latest technology which we are using in
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड दीज आर द नंबर ऑफ चैनल्स एंड बिट रेट्स आल्सो गिवन इन फर्दर कॉलम एंड बिट रेट्स वॉइस चैनल्स एंड रीजनरेटर स्पेसिंग नंबर ऑफ चैनल्स एंड बिट रेट वेरी इजी टू कैलकुलेट PCM bit rate is 2.048 MB per second or 2048 KB per second which has time frame is 125 microsecond and this 125 microsecond is divided in 32 slots. In these 32 slots, one slot time slot 0 is reserved for off, time slot 16 for signaling and remaining 30 time slots become 30 channels. So in one PCM, 30 pairs can communicate their information either in form of voice, data, video. And if we move to further 45 Mbps or 2.5 GB per second, you just divide it by 2.048 Mbps, then you will get multiplied by 30, you will get number of channels. So different type of fibers we are using are fibers are further classified on basis of refractive index and modes. On the basis of refractive index, there are two types of fiber. One is step index and other one is graded index. What is step index and what is graded index? We'll discuss this in further slides. And further classification is on the basis of modes, single mode and multi mode. This will also I'll explain further. So in this way, the fiber is named as pair of these two classifications, for example, SISM, step index, single mode fiber, or GISM, graded index, multi-mode fiber, graded index, single mode fiber, GISM, GIMM, and like this. Now, these are the advantages of fiber communication. High information carrying capacity. Here we say high information carrying capacity, we may say bandwidth of the fiber is infinite. Fiber ki jo bandwidth hoti hai, channel capacity, usko hum log आप लोग बात कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? If any question you may ask after the session, and for the time being, please switch off your mic. So, all are getting my voice? Yes, sir. Okay. So, yes, high sir. Information carrying capacity, we say optical fiber capacity is unlimited, infinite. कैसा भी सिस्टम हम लोग डिजाइन करें वो हमारा उसी फाइबर पे चलेगा. कितना भी एमबी कितना भी जीबी चाहते हैं हम लोग उसी पे चला सकते हैं. इसीलिए जो आप लोग अब जो बैंडविड्थ की डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद आपका नैरो बैंड के बाद ब्रॉड बैंड के बाद आज आप देख रहे हैं कि क्लासेस, बिजनेस, ऑफिस सारे हमारे डेटा बेस हो गए. सबको डेटा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और ये हाई स्पीड डेटा की जो डिमांड है ये कॉपर वायर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है. हाई स्पीड जो है हमारा वो फाइबर के ऊपर ही चलेगा. इतना भी ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ हमारा हम सिस्टम डिजाइन कर लें वो सारा हमारा उसी फाइबर के ऊपर रन करता है. इसीलिए कहते हैं कि फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है वो अनलिमिटेड होती है. और आज के डेट में फाइबर हमारा जो है सी बैंड में भी पड़ा हुआ है. एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच भी फाइबर पे ही कम्युनिकेशन हो रहा है. So that is why we say high information carrying capacity, bandwidth of the optical fiber is infinite, unlimited. Less attenuation, attenuation is very less. Ease of amplification and transmission. Amplification and transmission fiber mein bahut hi aasan hai. Plentiful resource, greater safety. Fiber pe jo bhi communication hamara hota hai, that is highly secured. Koi bhi us information ko nikal nahi sakta hai. पहले के जो वायर्स होते थे या जो एनालॉग सिस्टम हमारे थे उसमें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से टैप करके उसको निकाली जा सकती है. लेकिन फाइबर में ऐसा कुछ नहीं है. हाईली सिक्योर्ड है. इम्यूनिटी टू आरएफआई, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले के जो हमारे सिस्टम थे, माइक्रोवेव अगर आप ले लीजिए, माइक्रोवेव में अगर सिस्टम हमारा चल रहा है कहीं पे, उनमें आपस में कुछ इंटरफेरेंस हुआ, वॉइस में डिटोरिएशन होता था, क्रॉस टॉक होती थी, टेलीफोन पर हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम लोग किसी दूसरे की भी आवाज सुनाई देने लगती, दूसरे की भी बात सुनाई देती, उसको भी क्रॉस टॉक कहते हैं। ये सारी चीजें इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में नहीं है। हाई सिक्योरिटी, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। ऑप्टिकल फाइबर आप देखते हैं आपके घरों में भी, FTTH के कनेक्शंस लगे होंगे तो फाइबर आपके घर पे आ रहा है, ग्लास का फाइबर, पतला सा वायर है, बहुत ही लाइट है, केवल वन टाइम इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को एक बार ले करने में जो भी खर्चा हुआ, उसके बाद फिर कुछ भी हमको नहीं करना है। कभी केबल अगर कट गई उसको केवल स्प्लाइस कर देना है, जोड़ देना है, बाकी हमारा सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर पे बहुत बढ़िया चलता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वो आप लोग फील भी करते होंगे जो आप लोग डेटा इस समय यूज कर रहे हैं। लेस कोरिजन, कोरिजन इसमें नहीं है, लेस टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट इस पे खास नहीं पड़ता है। तो हाई इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड, रिसोर्स प्लेंटीफुल, बेसिक मटेरियल्स आर आइदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ग्लास फाइबर्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विच आर प्लेंटीफुल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोई चोरी नहीं होती है। पहले जो हम लोग मेटेलिक वायर यूज करते थे, कॉपर वायर था, उसके बाद आपके मेटेलिक वायर्स आ गए, आयरन के वायर्स आ गए, इनकी जो है चोरी भी बहुत हो जाती थी, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में कुछ नहीं है, केवल ग्लास और कुछ प्लास्टिक्स हैं, तो इसकी चोरी भी नहीं होती है। टिपिकल फाइबर एटेन्यूएशन इज 0.3 dB पर किलोमीटर, जो कि ज़्यादा ही है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 0.15 dB पर किलोमीटर तक के भी फाइबर्स हमारे पास अवेलेबल है। ग्रेटर सेफ्टी, ऑप्टिक फाइबर्स, ग्लास, प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स, नो इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू देम। इम्यूनिटी टू RFI, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, किसी चीज का कोई इफेक्ट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर नहीं पड़ता है। नो क्रॉस टॉक, कोई क्रॉस टॉक इसमें नहीं है, हाईली सिक्योर मीडिया। स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, आप अगर कंपेयर करिए, फाइबर का जो डायमीटर है वो भी बात करेंगे, वो होता है 125 माइक्रोमीटर, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं और फिर उसको लेकर के केबल का डायमीटर बन जाता है 2.5 mm। वेट 6 kg पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर केबल 6 kg, बड़े आराम से आप अपने बैग में डाल के इसको ले जा सकते हैं। वेयर कोएक्सियल केबल, जो पहले हमारा एक इंडिया कोएक्सियल केबल भी था जिसका की वेट 1 kg का होता था, 1110 kg, 1110 किलोग्राम, 1 किलोमीटर केबल जो है आसानी से कोई उठा के नहीं ले जा सकता, किसी व्हीकल पे इसको ले रख के ही ले जाना पड़ेगा। कोरोजन कॉज बाय वाटर केमिकल्स इज लेस सीवियर फॉर ग्लास देन फॉर कॉपर। कोरोजन का कोई इफेक्ट, खास इफेक्ट जो है हम कह सकते हैं ग्लास पे नहीं पड़ता। लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। Now where we are using this optical fiber? Optical fiber cables are used in telecommunications, long distance transmission, long distance transmission from one city to other city, from one country to other country, inter exchange junction, different type of exchanges are there, and these exchanges are connected with help of optical fiber cable. And now, as you know, this high speed internet broadband is provided with help of this fiber. And this technology is known as FITL, fiber in the loop. And on this technology, the system comes in the picture at TTX, fiber to the X. X is the terminating point. If we terminate fiber to a curve, to a colony, then it becomes FTTC, fiber to the curve. If we terminate fiber to a building, it becomes FTTB, fiber to the building. If you terminate, provide connection to your home, your house, then it becomes FTTS, fiber to the home. In this case, once an equipment which is known as OLT is installed as service provider office, central office, from where this central office is connected to service providers, different service providers or internet clouds, and this information in the form of optical signals are transmitted to your house, and there you use a modem, CP, customer premises equipment, or if we may provide this high speed internet to a building, from this building
using some distributor splitter, we can distribute these signals, optical signal, to different apartments, different premises. Video transmission, we can use this optical fiber in video transmission, television broadcast, cable television, remote monitoring. Broadband services, as I explained, in different type of broadband services, we may use this optical fiber cable. We are using this optical fiber in home study courses, in long online courses, in medical facilities, in hospitals, in train, and different companies and offices, these optical fiber cables are being used. High EMI areas along with railway track. Today, railway also having, railway ke paas bhi apna optical fiber cable ka network hai. उसको यूज कर रहे हैं और उसको रेंट पे भी दे रहे हैं. दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं प्राइवेट, उनके भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं. इन मिलिट्री एप्लीकेशन, मिलिट्री में भी जो भी हमारी सिक्योरिटी के जो भी लाइंस वगैरह है, वहां पे भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज कर रहे हैं. ऑप्टिक थ्योरी, नाउ दिस ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now, what is total internal reflection? आपने सभी को मालूम भी होगा, कुछ लोग हो सकता है कुछ भूल भी रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ. यू नो स्नेल्स लॉ, एन वन साइन फाइव वन इक्वल टू एन टू साइन फाइव आर. एन वन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया वन एंड एन टू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया. साइन फाइव आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडिया एंड फाइव आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द सेकेंड मीडिया. Now, if optical signal, any optic ray transmitted from denser media to rarer media, yaad rakhiyega denser to rarer, then it moves away from the normal. Normal se door rakhti hai. Aur agar ye angle of incidence hum log padhate jaye to ek particular angle aayega jis par angle of reflection 90 degree ho jata hai. That angle of incidence is known as critical angle. इस critical angle से आगे अगर हमें angle of incidence बढ़ेगा तो क्या होगा? पूरा signal, पूरा optical signal हमारा उसी same denser media में reflect हो जाएगा. This is known as total internal reflection. So we may define when optical signal passing from a denser media to rarer media is incident at an angle more than critical angle. Then total optical signal is reflected back in the same denser media. This is known as total internal reflection. So this optical fiber works on the principle of total internal reflection. Here this is shown in your this diagram. Here you see this is media number one. This media is denser media, and this is the rarer media. That is N1 is more than N2. N1 reflectiveness of media 1 and N2 reflectiveness of media 2, this N1 is more than N2. When see this signal number 1, when this is incident at this angle, this red line is move away from the normal, again to further remove. And at an for this angle of incidence, when this angle of reflection is 90 degree, they see number 2, then this angle is known as critical angle. If we further increase, that is number 3, then total signal is reflected in the same media. This is total internal reflection. So in this way, optical fiber is designed in this way, as shown here. Optical fiber is a concentric glass cylinder. A glass cylinder ki form mein hota hai, concentric hai. Alag alag glass nahi hai, ek hi glass hai. बनाया इसको इस तरह जाता है कि इसमें बीच का ये पोर्शन जो है ये डेंस होगा और इसका आउटर पोर्शन जो है ये रेयरर होता है. रफली हम कहते हैं कि इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.47 और बाहर वाले का होता है 1.46. इस अंदर वाले का तो हम लोग कहते हैं कोर, दिस इज कोर एंड दिस आउटर पोर्शन इज क्लैडिंग एंड डायमीटर ऑफ दिस होल फाइबर. That is the diameter of this cladding is 125 micrometer.
एंड डायमीटर ऑफ दिस कोर वेरीज फ्रॉम 6 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 62.5 एंड 100 माइक्रोमीटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर डिजाइन अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ सी दिस सिग्नल. दिस सिग्नल इज इंसिडेंट एट सम एंगल एंड दिस इज ट्रांसमिटेड इन दिस वे. नाउ when this signal is incident at an angle of critical angle, then this will be refracted at 90 degree, that is parallel to the core. Now if it further increase, that is number 3, angle of incidence is more than critical angle, then total signal is reflected in the same area, and here again it is again reflected. So in this way, with help of multiple reflection, the optical signals are transmitted in optical fiber. Here these are the refractive index of different materials. For air, we are having refractive index 1, for carbon dioxide 1, water 1.33. For fused silica or glass, this is nearly 1.5, in the range of 1.46 to 1.54. So these are the refractive index of the optical fiber which we are using in telecommunication. This I have explained wave nature of light, you know very well, bulk nature of light also there. Now what are the electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum from power to ultraviolet, these are the different range. The optical signal or optical fiber works in this range. Here we will explain further. Visible range of wavelength is up to 0.4 micrometer, which is red. Silica glass fiber attenuates light heavily in visible and ultraviolet region. This region. Glass fiber is relatively efficient in wavelength ranges up to and in infrared region. Three window operations are there. These three wavelengths are there. 850 nanometer or 0.85 micrometer, 1300 nanometer or 1.3 micrometer, whatever you say, 1550 nanometer or 1.55 micrometer. What are these? This will be explained in further slides. Here in this graph, you see wavelength is shown on the x-axis and attenuation dB per kilometer is shown on the y-axis. Now the studies gives the curve like this. This attenuation is varying with wavelength, but in this waveform we get at some points where this attenuation variation is less, or you may say almost constant, not almost constant, but you may say variation is less. So for our optical fiber system, we may use either this wavelength, whatever wavelength, any wavelength we may use. But if we use that wavelength for which this attenuation dB per kilometer is minimum, then that wavelength will be very good for our optical fiber system. We can transmit our signals for a longer and longer distance. So in this way, there are three wavelength ranges available in this curve. First one is this one, second one this one, third one is here, and fourth one is also in the picture. So this first wavelength range, this is known as first window, which is 800 nanometer to 900 nanometer. So 800, we may say the window or wavelength range, window is that wavelength range in which attenuation dB per kilometer is minimum. So first window is 800 nanometer to 900 nanometer. Second window, this one, this is 1250 nanometer to 1350 nanometer. And this third window is 1500 nanometer to 1600 nanometer. So these are the first window, second window, and third window. Our optical fiber systems were designed and are designed for these wavelengths. जो पहले डिजाइन किए थे, पहला सिस्टम हमारा फर्स्ट विंडो में डिजाइन हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड विंडो और थर्ड विंडो भी यूज की.
और ये जो वेवलेंथ रेंज हमारी है ये हमारी टेबल में दी गई है 1260 to 1360 जो वेवलेंथ है इसको हम लोग कहते हैं ओ बैंड। इसके बाद 1360 1460 नैनोमीटर और दिस वेवलेंथ आर इन नैनोमीटर, दिस इज ई बैंड एक्सटेंडेड बैंड, देन दिस इज शॉर्ट वेवलेंथ, दिस इज कन्वेंशनल बैंड, दिस इज लॉन्ग बैंड एंड दिस इज अल्ट्रा लॉन्ग। द मोस्ट यूज्ड बैंड्स टुडे सिस्टम WDM इज सी बैंड एंड लॉन्ग बैंड, कन्वेंशनल बैंड एंड लॉन्ग बैंड 1530 to 1565 एंड 1565 to 1625। द सिस्टम PDH प्लिसिपोनस डिजिटल हायरार्की व्हिच वाज द एसिंक्रोनस सिस्टम, इन दैट सिस्टम वी यूज्ड 1300 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड इन SDS सिस्टम सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की वी आर यूजिंग 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ। हियर अगेन construction of the fiber is explained, this is the core, say refractive index is N1, this is the cladding, say refractive index is N2, N1 should be more than N2, so roughly this N1 is 1.47 and this N2 is 1.46 and this core diameter varies from 8 to 10, 12 micrometer, 50 micrometer, 62.5 micrometer and 100 micrometer also available. But cladding diameter in each case is 125 micrometer. So with increase of this core diameter, what we are using, we are increasing different modes of the signal. In this type of fiber, which diameter is roughly 10 micrometer, it has single mode of Hodgkin signal. बट वेन दिस डायमीटर इज इंक्रीज, जब डायमीटर बढ़ता है तो इसमें ऑप्टिकल सिग्नल पे डिफरेंट मोड्स डेवलप कर सकते हैं। तो दिस फाइबर इज सिंगल मोड एंड दिस फाइबर्स आर मल्टी मोड। एंड इफ वी सी द इंडेक्स स्पेसिस ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कोर, दैट इज सेंटर ऑफ दिस कोर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.47 and throughout this core this refractive index is 1.47 and when we reaches to the boundary of the cladding at core this refractive index changes, there is a step change from 1.47 to 1.46, then this is known as step index fiber. In another type of fiber refractive index at the center of the core is maximum 1.47 और जैसे ही क्लैडिंग की ओर जाते हैं ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, 1.47 से डिक्रीज होकर के 1.4695 हुआ, 1.4690 एंड सो ऑन, और क्लैडिंग पर आकर के 1.46 हो जाता है। सो ड्यू टू ग्रेजुअली डिक्रीज दिस टाइप ऑफ फाइबर इज नोन एज ग्रेडेड इंडेक्स। सो ऑप्टिकल फाइबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू टाइप्स SI SM। इफ ऑप्टिकल फाइबर यू गेट एनी ऑप्टिकल फाइबर केबल and you see the outer jacket, outer plastic tube, there will be written SISM or GISM or GINM. So first two words for index, single step index, graded index GI, SM single mode, MM multi mode. Now cabling of optical fiber. Cabling is needed to protect the fiber from mechanical damage and environmental degradation. The signal is transmitted in this optical fiber only through core with help of cladding. But you see that this is made of glass, very thin glass, 125 micrometer glass. So this is very weak, very easily it can be broken. बहुत आसानी से टूट जाएगा. तो इसको protection देने के लिए हम कुछ arrangement करते हैं. That is known as केबलिंग। फाइबर को एक हम प्लास्टिक ट्यूब में डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बफर। बफर के बाद एक बफर में एक फाइबर भी हो सकता है। अच्छा हाँ, उससे पहले जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो ग्लास है उसको प्लास्टिक की कोटिंग डाली जाती है। प्लास्टिक कोटिंग फाइबर को प्रोटेक्शन देती है। प्लास्टिक कोटिंग हमारे लिए कलर्ड होती है। कलर मतलब डिफरेंट टाइप कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उसका एक प्रॉपर जो है कोटिंग प्रोसीजर है जिससे कि हम फाइबर की नंबरिंग करते हैं। इसके बाद जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं बफर, एक बफर में
एक फाइबर भी हो सकता है, दो फाइबर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह, बारह और बारह के मल्टीपल से भी हो सकते हैं। बारह के मल्टीपल का एक फाइबर मान लीजिए बफर हो गया, फिर उसके बाद बफर के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके घर में जो फीचर लगा है वो आपका सिंगल फाइबर केबल आपके घर पे रहते होगी, बाहर की ट्यूब, बफर, बफर के अंदर एक फाइबर। लेकिन 12 के मल्टीपल्स में डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आते हैं, 12 फाइबर, 6 फाइबर, 12 फाइबर, 24, 48, 72, 96, 144, 288 फाइबर्स की केबल्स इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो बफर्स में केबल फाइबर हो गया। इसके बाद इन बफर्स को हम लोग किसी प्लास्टिक थ्रेड या नायलॉन थ्रेड से उसको टाई करते हैं, मतलब कंपनी टाई करती है। उसके बाद एक प्लास्टिक ट्यूब यूज करते हैं, उसको कहते हैं इनर जैकेट। अभी फाइबर का एक फोटो भी आपको दिखाऊंगा मैं। इसके बाद उसके बाहर एक और दूसरी जैकेट होती है, एक दूसरी मतलब प्लास्टिक ट्यूब होती है, उसको कहते हैं आउटर जैकेट। दिस आउटर जैकेट में भी ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर। तो ओएफ केबल रिसेंबल्स कन्वेंशनल मेटल स्ट्रक्चर एक्सटर्नली। इसमें एक मेटल का वायर हो भी सकता है, अगर होता है तो उसको हम लोग आर्मर कहते हैं, या फिर मेटलिक वायर नहीं भी हो सकता है तो वो अनआर्मर केबल। सो इन दिस वे ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो कॉमन पार्ट है वो बफर, डिस्टेंट मेंबर, बीच में एक जो है आपका स्टील ग्लास अलॉय का एक टाइट सा मटेरियल होता है जो कि केबल को बकलिंग से प्रोटेक्शन करता है, अगर एक्सेस बेंडिंग हो जाए तो फाइबर टूटे ना पाए, उसके लिए सेंट्रल स्टील मेंबर उसके रहेगा। केबल फिलिंग कंपाउंड कुछ उसमें ग्रीस जैसा उसके अंदर जो है मॉइस्चराइजेशन और माइग्रेशन केबल जो है लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग मटेरियल उसके अंदर रहता है, जिससे कि बफर को ट्यूब को हम लोग इजिली पुल कर सके। और केबल जैकेट हमने जो बाहर की ट्यूब्स आती है आउटर जैकेट और इनर जैकेट उसको हम लोग केबल जैकेट। मटेरियल लिक्विड कोर फाइबर, जो सिल्का ग्लास फाइबर, प्लास्टिक सिल्का फाइबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज फॉर फाइबर, बट इन टेली कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग फ्यू सिल्का ग्लास फाइबर। मोडल डिस्पर्शन बता दिया आपको, दो तरह का होता है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। इंडेक्स के बेस पर स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। लॉसेस ऑप्टिकल सिग्नल जो हमारे यहाँ से एक एंड से हम लोग इसमें जो सेंड करते हैं डिस्टेंस के साथ, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। डिजाइन के समय इसके अंदर कुछ बेंड्स हो सकते हैं जिसको कि माइक्रो बेंडिंग कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को अगर 90 डिग्री से ज्यादा बेंड कर दिया वो माइक्रो बेंडिंग कहलाता है। सो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है डिस्टेंस के साथ, माइक्रो बेंडिंग के साथ या फिर माइक्रो बेंडिंग। डिफरेंट टाइप से जो है इसमें वेवलेंथ जो भी हमारी इसमें ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकल सिग्नल उसमें एटेन्यूएशन हो सकता है, लॉसेज हो सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट रीजंस हैं ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेज के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्पर्सन का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। व्हाट इज डिस्पर्सन? डिस्पर्सन इज शेप चेंज, इन रफली शेप चेंज। जैसे कि मॉर्निंग में आप तैयार होते हैं, ऑफिस गए, कॉलेज गए, कहीं पे गए, आप बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। दिन भर ऑफिस में काम करके या कॉलेज में क्लासेस करके पढ़ते पढ़ते आपका जो कुछ देर के बाद क्या होता है, आप में डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है, आपकी शेप कुछ चेंज हो जाती है, आप कुछ थके थके से रहते हैं। मॉर्निंग में तो आप चेयर पे टाइट बैठे, आप शाम तक होते होते आप उस पर लुढ़क जाते हैं, मतलब आपकी शेप चेंज होती है। तो इसलिए जो हमारा वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म भी सिग्नल के साथ डिस्टेंस के साथ हमारा चेंज होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। इंफॉर्मेशन हमारी जो भी है वो हमारी डिजिटल है, 1-0 की फॉर्म में जा रही है। तो अगर ये वेव की शेप चेंज होगी, अभी ये वेव ऐसी थी, इसका शेप अगर चेंज होगा तो जहां पे वन है वहां पे हो सकता है वो वन ना मिले, तो वहां पे जीरो मिलने लगे। तो डिस्पर्सन से क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस होता है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं बी आर में, बीट एरर रेट। सो डिस्टेंस के साथ हमारी बीट एरर रेट जो अगर बढ़ती जाती है, क्यों बढ़ती? क्योंकि उसमें डिस्पर्सन हो रहा है। ये डिस्पर्सन तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन इज मल्टी मोड डिस्पर्सन, सेकंड वन इज मटेरियल डिस्पर्सन एंड थर्ड वन इज वेवगाइड डिस्पर्सन। मल्टी मोड डिस्पर्सन जो डिफरेंट मोड्स हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स के फाइबर में ट्रेवल कर रहे हैं उनकी वजह से जो भी डिस्पर्सन चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मल्टी मोड डिस्पर्सन। मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसके साथ जो डिस्पर्सन हुआ, शेप चेंज हुआ, वो मटेरियल डिस्पर्सन है। वेव गाइड जो हमारी फाइबर है इन द फॉर्म ऑफ वेव गाइड, तो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज वेव गाइड डिस्पर्सन।
Now here you may remember first two type, multi-mode dispersion or multi-particle dispersion and material dispersion are applicable for multi-mode fiber only. While second and third, material and waveguide, these dispersions are applicable for single mode fiber. Single mode fiber mein material dispersion hota hai aur waveguide dispersion hota hai. Multi-mode fiber mein multi-mode dispersion aur material dispersion dono hota hai. Total dispersion, to minimize the total dispersion, it is desirable to operate at wavelength greater than 1300 nanometer. ये हमारी studies हैं. स्टडीज में जो भी आईटी की रिकमेंडेशंस आती हैं, पहला सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर का जो बनाया गया था वो यूज हुआ था हमारा फर्स्ट विंडो में 800 टू 900 नैनोमीटर की वेवलेंथ में, और उसमें जो उसका बीच का वेवलेंथ है 850 नैनोमीटर, वो वेवलेंथ यूज की गई. बाद में फिर पीडीएस के सिस्टम जो हमारे और अपग्रेड हुए उसमें वेवलेंथ यूज की गई सेकेंड विंडो 1300 नैनोमीटर. स्टडीज ये कहती है कि 1300 नैनोमीटर से ऊपर की जो वेवलेंथ है उस पर डिस्पर्शन हमारा कम हो, तो इसलिए वेवलेंथ यूज की गई 1500 to 1600 दैट इज थर्ड विंडो, और 1500 to 1600 में जो वेवलेंथ हम यूज करते हैं दैट इज 1550 नैनोमीटर. हियर इट इज रिटन, हाउएवर करंट सिस्टम आर ऑपरेटिंग एट 1550 नैनोमीटर. व्हाई? बिकॉज़ एट दिस वेवलेंथ एटेन्यूएशन इज लो. दिस इज कंपैटिबल विद ईडीएफए. ईडीएफए फुल फॉर्म इज एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर. These are the optical amplifiers which are used in EWDM systems, and so this wavelength is compatible with EWDM. Dense wavelength is a multiplexing. EWDM systems हमारे वो systems हैं जिसमें कि multiplexing फिर हमारी optical level पे शुरू हुई, तो इस system को use करके हम लोग at a time एक साथ कई एक optical systems को एक ही fiber के ऊपर चला सकते. जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमको चलाने के दो फाइबर चाहिए, हमको चैनल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमने एक सिस्टम और लगा दिया या फिर हाई कैपेसिटी का लगा दिया, दो फाइबर और यूज हो गए. तो जितने भी सिस्टम बढ़ाते जाएंगे दो दो फाइबर सब यूज होंगे और एक टाइम क्या होगा फाइबर हमारे एग्जॉस्ट हो जाए. लेकिन DWDM सिस्टम अगर हम कहते हैं कहीं पर 32 चैनल का DWDM सिस्टम है, तो 32 चैनल मीन्स ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के 32 सिस्टम एक साथ ऑप्टिकल लेवल पे मल्टीप्लेक्सिंग करके हम उसको दो फाइबर पे एक साथ चला सकते हैं. और आने वाली टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक ही फाइबर पे हमारा सिस्टम चलेगा, जिसमें कि एक ही फाइबर पे डिफरेंट वेवलेंथ यूज करके ट्रांस के लिए एक वेवलेंथ और रिसीव के लिए दूसरी वेवलेंथ, द सिंगल फाइबर पे हमारा ऑप्टिकल सिस्टम चलेगा. जो कि आपके घरों पे जो फाइबर लगा हुआ है FTTH, वो हमारा उसी सिंगल फाइबर पे चल रहा है. उसमें आप देखते हैं कि आपके घर पे आपके प्रमाइसेस पर जो केबल डालते हैं लोग, उसमें केवल एक ही फाइबर है, उसी एक फाइबर पे आप ट्रांस कर रहे हैं, उसी पे रिसीव कर रहे हैं. बेसिक फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ये हमने आपको बता ही दिया. ट्रांसमीटर होगा सबसे पहले हमारा एक एंड पे, दूसरे एंड पे रिसीवर होगा, और दूसरा पार्ट जो इधर का बनेगा उसमें इधर एक ट्रांसमीटर होगा और यहाँ पे एक इधर रिसीवर होगा. ट्रांसमीटर में हम लोग यूज करेंगे कोई लाइट सोर्स. लाइट सोर्स पहले जो सिस्टम हमारे पुराने थे उसमें यूज किए गए थे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लेकिन अब जो हमारे सिस्टम्स हैं सारे उसमें यूज करते हैं एलईडी लेजर डायोड. लेजर का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. उसके बाद रिसीव एंड पे पहले यूज करते थे पिन डायोड, अब सारे सिस्टम में यूज होता है एपीडी एवलांच फोटो डायोड. तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो अभी हमारे आजकल फाइबर सिस्टम्स हैं उसमें ट्रांसमीटर के लिए एज ए लाइट सोर्स हम लोग यूज करते हैं एलईडी लेजर डायोड, और रिसीव के लिए हम लोग यूज करते हैं ईपीटी एवलांच फोटो डायोड. ये यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी पहले यूज की गई थी और एलईडी लेजर डायोड आज के सिस्टम से यूज करते हैं. डिटेक्टर्स रिसीव एंड पे पिन डायोड यूज किए गए थे, लेकिन अब हम लोग यूज कर रहे हैं ईपीटी एवलांच फोटो डायोड. तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम डिजाइन होता है. एक एंड पे हमारा ये सोर्स पहले मतलब एक एंड मतलब स्टेशन ए हो गया मान लीजिए, और ये स्टेशन बी है. स्टेशन ए पे एक सोर्स होगा, सोर्स में क्या होगा लेजर डायोड होगा,
जिसमें कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी लाइनविड्थ होगी, उसका कुछ राइज टाइम होगा, और ये जो डिटेक्टर है ये हमारा इस एंड पे भी लगा होगा, मतलब इस एंड पे हमारा सोर्स और डिटेक्टर दोनों होंगे, केवल एक ही साइड अभी यहाँ पे इस डायग्राम में शो की गई है। यहाँ से आउटपुट सिग्नल हमारा जाएगा जिसको भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, चार्ज करंट देगा, गेन वगैरह उसमें होंगे, और बीच में ये होगी हमारी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में केबल की कुछ लेंथ होगी, उस रूट पे कुछ लॉस होगा, रूट की कुछ बैंडविड्थ होगी, कुछ नेटवर्क हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ नेटवर्क की हम लोग डिजाइन करेंगे कि नेटवर्क हमारा किस डिजाइन में बनना है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज उसमें यूज होती है। अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो जब एटेन्यूएट होगा, ये ऑप्टिकल सिस्टम हमारा जो है ये किसी पर्टिकुलर एटेन्यूएशन में काम करता है। ऑप्टिकल सिग्नल अगर वीक होगा तो हमको क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं। रिपीटर क्या करता है, उस ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम हमने लिया जो कि मान लीजिए कि -2 dB से -20 dB के बीच में काम करता है, मतलब उसकी जो ट्रांसफॉर्मर है -2 dB है और रिसीव एंड टू -20 dB तक काम करता है। अगर लेवल इससे ज्यादा डाउन हो जाता है, -22 या उससे कम मिलता है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर ये लेंथ हमारी बढ़ती है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एटेन्यूएट हो जाना है, तो बीच में कहीं पे उसको रिपीटर लगाएंगे, एटेन्यूएशन -20 से पहले कहीं पे, जहाँ भी -15, 16, 17 या जो भी हमें जगह मिल रही है। तो ये रिपीटर क्या करता है, जो भी ऑप्टिकल सिग्नल है उसको ये एम्पलीफाई करता है। कैसे करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करके ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर को ये एम्पलीफाई करेगा, उसको फिर ऑप्टिकल में बदल करके ये आगे भेज देता है। मतलब कहने का है कि रिपीटर की वर्किंग होती है ईओई के बेस पर, इलेक्ट्रिकल सॉरी ओईओ, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल देन ऑप्टिकल। So this is all about optical fiber cable. Now in how the optical fiber cable is laid, in this laying you आपने शायद हो सकता है optical fiber cable की laying देखी भी हो। Optical fiber जो है कुछ पहाड़ी एरिया भी हो सकते हैं, नॉन रॉकी एरिया भी हो सकते हैं, नॉर्मल सॉइल में laying कर सकते हैं हम लोग। जिस पाइप में भी optical fiber को डालते हैं उसको जो कि डिफरेंट डायमीटर्स के आते हैं, थे